वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पहले हम इंजीनियरिंग का पेपर डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग के फर्स्ट टेन क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स है उनके नंबर चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए One four six nine or Can you all see the screen, students? Yes. So I'll open the question paper here. कार ने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सवालों में भी जिनको डाउट है ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जरूर तो बैच डिस्कस नहीं करेंगे एक घंटे में हमको सेवेंटी क्वेश्चन सो ईजी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे फर्स्ट वाला को मैं इजी मानता हूँ थर्ड वाले को भी Easy नहीं बट थर्ड वाले का हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है कई बार बैच फर्स्ट में स्पेशली तो एल को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी तो हम ऐसा करते थे जी की पावर एक्स एच की पावर वाई सी की पावर जेड और फिर दोनों साइड के डायमेंशन मैच करवाते थे जी का डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमें याद रहता था नहीं याद रहता था तो हम निकाल लेते थे कैसे निकालते थे यूजिंग एफ इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर इसको यूज करके हम ये डायमेंशन निकाल लेते थे एच ये प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस वन रेस टू वाई और स्पीड ऑफ लाइट तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये देर फोर एम की पावर क्या बन रही है टोटल एम की पावर बन रही है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस बस जेड की कोई टर्म नहीं और एल की पावर क्या बन रही है एल की पावर बन रही है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड और टी की पावर क्या बन रही है टी की पावर बन रही है माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एल की पावर है वन तो ये सब कुछ मैच होना चाहिए इसलिए रिस्पेक्टिव पावर हम मैच कराते थे तो मास की पावर लेफ्ट साइड में जीरो है लेंथ की पावर जो है वो लेफ्ट साइड में वन है और टाइम की पावर जो है वो लेफ्ट साइड में जीरो है तो इनको हमें करना था सॉल्व बट मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो हमें क्या करना काफी है हमें जस्ट ऑप्शन से चेक करना काफी है कि कौन सी वैल्यूज कौन सा ऑप्शन में से ये सभी इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं कौन से ऑप्शन में ये सभी सेटिस्फाई होते हैं बस ये हमें चेक करना है बस ये हमें चेक करना काफी है ये हमें चेक करना काफी है देखते हैं चारों इक्वेश अपने पास है चारों ऑप्शन अपने पास है पहला पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए राइट एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए तो एक्स और वाई मतलब आ, मतलब जी की पावर और एच की पावर इक्वल होनी चाहिए पहले ऑप्शन में नहीं है दूसरे में है तीसरे में है चौथे में है जी ऑर एच की पावर ठीक है तो ये इक्वेशन पर से चेक कर लिया आपने कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता करके आगे चेक करते हैं चौथे ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है चौथे ऑप्शन में तो वन 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 वैल्यू है एक्स वाई जेड की तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है बच्चा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन चेक करना टाइम चेक करते तो इसका कितना थ्री एक्स करेंगे तो थ्री इंटू हाफ प्लस टू इंटू हाफ प्लस जेड की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू तो ये हमें वन आंसर दे रही है तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है ओके तो सेकेंड ऑप्शन आंसर जरूर होगा आई बात समझ में इतनी मेहनत करना आवश्यक है इतनी मेहनत करना आवश्यक है ये वन ऑफ द लेंदियर क्वेश्चन होता तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करना है तो इतनी मेहनत करना आवश्यक है ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करना आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है नो नीड टू सॉल्व राइट नो नीड टू सॉल्व सॉल्व करने में टाइम जाएगा ऑप्शन है हमारे पास इसलिए हमने ऑप्शन पर से चेक कर लिया कहां पे हो रहा है आप चेक कर सकते हो कि जो तीसरा ऑप्शन है ये इसके पावर इक्वेशन इस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ठीक है देन सिक्स क्वेश्चन डाउट करके पूछा गया है तो सिक्स क्वेश्चन में क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये भी क्वेश्चन कुछ लोगों को कंफ्यूज किया करते हैं लेकिन हमने ऐसे किए हुए हैं क्लास में मेनी सच क्वेश्चंस वी हैव डन वैल्यू ऑफ डेंसिटी पूछी हुई है डायरेक्ट सवाल में ही डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है डेंसिटी जो वैल्यू दी है फोर ग्राम पर सी एम क्यूब वैल्यू दी हुई है है ना लेकिन अब नए यूनिट्स क्या है नया यूनिट है नया यूनिट ऑफ लेंथ इज टेन सेंटीमीटर ओके okay? तो उसको मैं U1 वन बोलूंगा यू वन इज मान लो टेन सेंटीमीटर और नया यूनिट ऑफ ऑफ मास मास ग्राम तो U को मान लो मैं U2 बोल रहा हूँ हंड्रेड ग्राम तो इस पर से हमें इस पर से हमें क्या निकालना होता है ग्राम की वैल्यू निकालनी होती है और सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी होती है और पुट करनी होती है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ग्राम की वैल्यू क्या है ग्राम की वैल्यू क्या है यू टू अपॉन हंड्रेड समझिए बात ग्राम की वैल्यू क्या है यू टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड और सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर की वैल्यू यूनिट वन डिवाइडेड करके ये नीचे का जो थाउजेंड है वो ऊपर जा रहा है वहां का हंड्रेड यहाँ बच रहा है यू टू अपॉन यू वन क्यूब है ना ये हो गया न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी ठीक है दिस इज न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी U1 और U2 जो है वो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास थे उस हिसाब से ये न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी आ गया और बाजू का नंबर चेक कीजिए कितना आ रहा है 40 आ रहा है तो 40 न्यू यूनिट्स ऑफ डेंसिटी 40 न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी

ऐसा क्वेश्चन कौन से बुक में से किया था स्टूडेंट्स याद करो फर्स्ट बैच में हमने ऐसा सवाल किया हुआ है याद करो कौन से बुक में से किया हुआ है यस वेरी गुड ये स्टूडेंट्स को याद है HCV में से ऐसा सवाल हमने किया हुआ है कैसे करते थे इंटीग्रेशन कोई करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे सवालों में क्वेश्चन भी बोल रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए सिर्फ ठीक है डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है निकालते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन मतलब तो सिर्फ एडिशन करना होता है तो एडिशन करने की वजह से कोई डायमेंशन में चेंज नहीं आता हर टर्म जिनके एडिशन करते हैं वो डायमेंशन सेम होता है. तो यहाँ बचता है सिर्फ न्यूमरेटर का डायमेंशन दैट इज डीएक्स का डायमेंशन और नीचे है स्क्वेयर रूट आ रहा है तो स्क्वेयर रूट के अंदर जो भी चीजें होती है एड या सब्ट्रैक करिए करिए ये चीजों के डायमेंशन भी सेम होते हैं तो क्या मैं बोलू नीचे स्क्वेयर का डायमेंशन है क्या मैं बोलू नीचे स्क्वेयर का डायमेंशन है एक्सक्वायर और टू एक्स का डायमेंशन सेम ही होगा एक्सक्वायर का डायमेंशन और टू है एक्स का डायमेंशन क्योंकि उनको सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए उनका डायमेंशन सेम ही होगा ध्यान से देख लीजिए एक्स का डायमेंशन एक्स स्क्स इंटू एक्स करता हूँ टू तो प्योर नंबर है उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता तो ए का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन ऐसे अगर ये कर दिया देरफोर मुझे मिल रहा है एक्स का डायमेंशन और ए का डायमेंशन सेम है राइट right साइड में देखिए एक्स का और ए का डायमेंशन सेम है ये हमने किया हुआ था एक्स और ए का डायमेंशन सेम uh, आ रहा है लेस होनी चाहिए और वो है भी अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ा आगे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का और आगे करते है डीएक्स मतलब क्या होता है चेंज इन एक्स तो बच्चों डीएक्स का भी डायमेंशन एक्स का ही डायमेंशन होगा मार्क ये मैंने करके बताया था। एक्स मतलब चेंज इन एक्स होता इफेक्टिवली तो एक्स एक्स तो मतलब क्या आ गया एक्स की डायमेंशन की पावर जीरो आ गई बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के डायमेंशन की पावर जीरो आ गई इसीलिए देयरफॉर राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है जो की ए की पावर एन है ये दोनों को मैच कराने के लिए ये दोनों को मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स की पावर जीरो इज ए की पावर एन है ना एक्स की पावर जीरो का डायमेंशन इज ए की पावर एन का डायमेंशन बट एक्स और ए के डायमेंशन मैच करते हैं एक्स और ए के डायमेंशन मैच कर दे तो एक्स के डायमेंशन को मैं ए का डायमेंशन भी लिख लू तो ए टू द पावर जीरो का डायमेंशन ये ए पावर एन के डायमेंशन से मैच होना चाहिए तो N की वैल्यू आ गई आपकी जीरो लिखने के लिए मैं वेट कर सकता हूँ क्योंकि ये सेकेंड बैच स्टूडेंट्स को नहीं हुआ होगा तो ये आसान सवालों में से नहीं है दिस यू कैन राइट आउट ऐसा ही सवाल आपको एचसी वर्मा में दिखेगा फर्स्ट चैप्टर में कही थोड़ी

लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस सी की टर्म आएगी उसको भी डायमेंशन फिर नहीं रहेगा क्योंकि प्लस सी जो भी आता है कांस्टेंट को डायमेंशन हो सकता है ऐसा नहीं समझना कि कांस्टेंट को कभी डायमेंशन नहीं है कांस्टेंट भी डायमेंशन वाले हो सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अगर प्लस सी की टर्म आएगी तो उसको भी डायमेंशन हो सकता है यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पावर जीरो बन जा रही है इसलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई पावर बनती थी एक्स की इफेक्टिवली तो कॉन्स्टेंट का भी डायमेंशन वही आता था समझे बात जय कुमार जो भी प्लस सी आएगा उसका डायमेंशन वो सेम ही आएगा जो भी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आता था उस हिसाब से जैसे कि जरूरत पड़ने पे मैं अगले पेज पे आपको समझा देता हूँ देखिए ये कभी आपको इतना ऐसा पूछा नहीं जाता है बट स्टिल आई वॉन्ट दैट यू शुड गेट दिस मान लो दिसन एक्स क्यूब डीएक्स है तो इसकी वैल्यू हम लिखते थे एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी तो अगर मैं आपको पूछता था कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ सी वॉट इज द डायमेंशन ऑफ सी ओके okay. और गीवन में, में देता था कि एक्स जो है ये लेंथ है एक्स जो है ये डिस्टेंस है मान लो कोई है. X X तो भैया सी के डायमेंशन का आंसर बताइए सी के डायमेंशन का आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होता था वेरी गुड एल टू दावर फोर होता था एल टू दावर फोर एम जीरो एल टू दावर फोर टी टू दावर जीरो यन्सर हो था, होइन क्यु एक तो लेफ्ट हैंड साइड से करो तो राइट हैंड साइड से करो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो इसका डायमेंशन एल क्यूब का डायमेंशन होगा एक्स क्यूब का और डीएक्स का डायमेंशन भी एक्स के डायमेंशन से सेम होता है तो वो भी एल का होगा या तो देखिए राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की ये जो टर्म है कॉन्स्टेंट को तो कोई डायमेंशन uh, नहीं होता तो फोर कॉन्स्टेंट है उसको कोई डायमेंशन नहीं होगा उसका कोई चिंता नहीं करना है एक्स टू दी पावर फोर की वजह से एल टू दी पावर फोर डायमेंशन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो तो भी एल टू दी पावर फोर है राइट हैंड साइड की एक टर्म चेक करो तो भी एल टू पावर फोर है तो बचे हुए कांस्टेंट का भी एल टू द पावर फोर होना चाहिए था बच्चों लेकिन अगर मैंने इस क्वेश्चन चेंज कर दिया अगर क्वेश्चन कर दिया एक्स टू दावर एक्स टू दावर माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू कोई तो भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी है ना अब मैं पूछू आपको फाइंड करो कि सी का डायमेंशन क्या है तो अब आंसर क्या आएगा बताइए वापस से एक्स इज लेंथ ठीक है okay. मान लेते हैं कि एक्स इज लेंथ गिवन है तो फिर इसका डायमेंशन क्या आता था स्टूडेंट्स? इसका डायमेंशन क्या आता था वेरी गुड एल टू दावर माइनस टू आता था एम जीरो पावर माइनस टू टी टू दावर जीरो आता था कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए ये डायमेंशन एल टू दावर माइनस थ्री लेकिन डी एक्स जो है वो एल टू दावर वन ओके और वैसे आपके नॉलेज के हिसाब से आप फंक्शन भी निकालोगे तो एक्स टू दावर माइनस टू अपॉन टू आता था पावर माइनस टू अपॉन टू इंटीग्रेशन का लॉ एन प्लस एन तो इस हिसाब से ये भी एल टू दावर माइनस टू डायमेंशन वाला है और ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके भी एल टू दावर माइनस टू डायमेंशन आ रहा है तो नेचुरली सी का डायमेंशन भी एल टू दावर माइनस टू होगा जैसे पहले क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन मैच कर ही रहे रहते करने ही चाहिए इस सवाल में भी करेंगे Okay. तो दोनों सवालों के सी अलग अलग है भले सिंबल हम सी ही यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों के डायमेंशन अलग होंगे बात ये बात मैथ्स के टीचर्स को नहीं पूछना क्योंकि मैथ्स के टीचर्स कभी आपको डायमेंशन नहीं बताएंगे क्योंकि मैथ्स में फिजिकल एनालिसिस नहीं होता है मैथ्स वाले टीचर्स आपको यूनिट्स की डायमेंशन की कभी चिंता करते नहीं दिखेंगे तो फिर इसलिए मैथ्स में जब इंडिकेशन स्टडी करते हैं तो कभी कोई आपको ऐसा कॉन्स्टेंट का या किसी डायमेंशन को नहीं पूछता बट तो सवाल फिजिक्स के पेपर में था तो फिजिक्स में अगर किसी चीज को लेंथ वगैरह देके रखा है तो आपको बाकी चीज के डायमेंशन निकालते आने चाहिए क्यों कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं हो सकते तनिष्क बिल्कुल हो सकते बिल्कुल हो सकते कांस्टेंट को डायमेंशन हो सकते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी डायमेंशन है है ना कॉन्स्टेंट को डायमेंशन हो सकता है बेटा जब प्योर नंबर होता है उसको डायमेंशन नहीं होता ठीक है प्योर प्योर नंबर नंबर जैसे वन, ये जो उनको डायमेंशन नहीं होता इसका मतलब दुनिया के कोई कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं होता ऐसा नहीं है जो प्योर नंबर कांस्टेंट है उनको डायमेंशन नहीं होता लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डायमेंशन होता है सी को डायमेंशन है यहाँ पे आ, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट है जिनको डायमेंशन हो सकता है ठीक है मैंने पावर पॉइंट भी शेयर किया था मॉर्निंग बैच में तो हमने आ, चार टाइप के चीजें हम देखेंगे फिजिक्स में आ, ये बात करी थी वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल होता है और डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है और डायमेंशनल कांस्टेंट भी होता है और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट भी होता है ठीक है तो डायमेंशन लेस भी होता है और डायमेंश dimension... भी भी होता है। ये सभी चीजें डायमेंशन लेस हो सकता है constant भी dimensional या dimension less हो जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल क्या आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया या परमिटिविटी आ गया या परमिएबिलिटी आ गया ये सबको डायमेंशन है और डायमेंशन लेस का नाम एग्जाम्पल क्या आ गया प्योर नंबर्स प्योर नंबर्स है ना वन टू जीरो वन रूट टू पाए ये सब जो प्योर नंबर्स है हाफ ये सब जो नंबर्स है इनको डायमेंशन नहीं होता क्लियर so, सो ये बात इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी टफ थी यहाँ पे आपको जिनको हर क्लास की हर चीज नहीं आती तो उनको थोड़ी तकलीफ गई होगी चलो आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बताइए आगे क्या दिया था आपने थर्टीन था मुझे लग, याद आ रहा है टेन के आगे थर्टीन वॉज द डाउट ठीक है यस थर्टीन इज अ सुपर क्लास क्वेश्चन थर्टीन इज अनादर सर्टनली नॉट इजी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये सबके नोट्स में आना चाहिए एक मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और एक डिटेल्ड मेथड भी बताऊंगा शॉर्टकट मेथड याद समझ लीजिए पहले इजी शॉर्टकट मेथड हमें क्या करना है देखिए ए बार और बी बार का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ठीक है क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स आर मैक्स क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पी प्लस क्यू या तो यहाँ पे बोलेंगे ए प्लस बी की जो वैल्यू है

देरफोर एक्चुअली आर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू या उससे तो कम ही होगा ना मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा उससे तो कम ही होगा देरफोर आर का आंसर बारह या बारह से कम आना चाहिए आर का आंसर बारह या बारह से कम आना चाहिए ऑप्शन देखिए कितने बकवास है इस हिसाब से बारह से कम आना चाहिए तो तेरह चौदह पंद्रह के आसपास आने के कोई गुंजाइश ही नहीं है नो चांस एप्सोल्यूटली तो आंसर होगा तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा बात समझ में बात समझ में, आया शॉर्टकट समझ में इसका मतलब आंसर एक्जैक्टली ट्वेल्व नहीं ठीक है ट्वेल नहीं है, नियरली है लेकिन ट्वेल्व से कम होगा आंसर ट्वेल्व से कम होगा आंसर से कम होगा तो यहाँ पे आंसर इलेवन पॉइंट समथिंग कुछ तो बनेगा ये शॉर्टकट समझ लीजिए ठीक है डिटेल्ड मेथड बहुत प्यारी डिटेल्ड मेथड अगले पेज पे बता रहा हूँ लेकिन ये शॉर्टकट से आप कुछ सेकंड में ही आंसर निकाल सकते थे क्योंकि ऑप्शन में इलेवन टेन ऐसे ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे ये शॉर्टकट बन गया राइट right? चलो अगर हमने शॉर्टकट लिख लिया है तो मैं अच्छे डिटेल्ड मेथड पे जाता हूँ अगले पेज पे चलो क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं निकाल लेता हूं अच्छे से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं अच्छे से निकाल लेता हूँ तो ए बार वेक्टर क्या है रूट थ्री आई प्लस जे बच्चों रूट थ्री कहा होगा ध्यान से देखिए डायग्राम में रूट थ्री देखो कहा होगा रूट थ्री होता है ये वन और टू के बीच में रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन समथिंग होती है ठीक है और जे में वन लेना है तो रूट थ्री आय प्लस जे ये वेक्टर कैसा होगा रूट थ्री आई प्लस जे रूट थ्री आय और जे को मैं ऐड करूंगा पैरोलोग्राम लॉ से तो ये मेरा वेक्टर आ गया ए बार है ना तो डायग्राम हम ज्यादा एक्यूरेटली निकाल रहे सवाल में डायग्राम जो दी है वो एक्यूरेटली नहीं देते कभी भी नहीं तो, तो आप वही से जवाब निकाल लेते ना तो सवाल में जो डायग्राम है वो एकदम टू द स्केल नहीं है बराबर मैं एकदम टू द स्केल डायग्राम आपको निकाल के दे रहा हूँ एज ए सोल्यूशन में हम ये ए बार होगा अच्छा बी बार क्या है भाई बी बार तो बड़ा है दस लेंथ का है बी बार जो है दस लेंथ का है और ट्वेंटी थ्री डिग्री झुका हुआ है वहां से ऊपर की तरफ दस लेंथ का है और ट्वेंटी थ्री डिग्री झुका हुआ है दस लेंथ मतलब बड़ी लेंथ होती है दस लेंथ मतलब बड़ी लेंथ होती है और ट्वेंटी थ्री डिग्री वहां से झुका हुआ है तो तीन चार पाँच छ सात आठ ऐसे ऐसे कुछ तो भी दस लेंथ का ये वेक्टर है लेकिन ट्वेंटी थ्री डिग्री वहां से झुका हुआ है एक मिनट और अच्छे से निकाल रहा हूं मैं ऐसा कुछ आएगा आपका बी बार ये आएगा आपका बी बार वेर दिस एंगल एंगल बिटवीन देम एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज दी डिग्री अच्छा एक ध्यान से देखिए चीज स्टूडेंट्स ये थीटा निकालने में कोई मेरी हेल्प करेगा ये जो नीचे वाला एंगल का थीटा है या तो मैं उसको अल्फा बोल देता हूं ए का एंगल विद एक्स एक्सिस को मैं अल्फा बोल देता हूं तो कैन यू फाइंड अल्फा स्टूडेंट्स कैन यू फाइंड अल्फा कोई भी साइन या या टैन की वैल्यू ले लीजिए तो मान लो अल्फा का मैं टैन ले रहा हूं तो अपोजिट साइडिट साइड की लेंथ कितनी है एडजेसेंट साइड की लेंथ है रूट थ्री तो वन अपॉन रूट थ्री आ रहा है देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी डिग्री अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री अच्छा तो बी बार का टोटल एंगल क्या होगा बी बार के लिए टोटल एंगल क्या होगा एंगल बिटवीन बी बार एंड एक्स एक्सिस क्या होगा एंगल बिटवीन बी बार एंड एक्स एक्सिस क्या होगा वेरी गुड इट विल बी अल्फा प्लस 23 डिग्री मतलब 53 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ बी बार विद एक्स एक्सिस क्या बन रहा है 53 डिग्रीज अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिनको याद है तो बी बार क्या होगा बी बार की वैल्यू होगी बी कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस बी 53 डिग्री जे कैप ये याद आ रहा है आपको जितना एंगल बना उसका कॉस कंपोनेंट आई कैप में और साइन कंपोनेंट जे कैप में ऐसे हम वेक्टर का रिजोल्यूशन लिया करते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ये देखा था तो बी की वैल्यू यहां पे दस है कॉस 53 डिग्री हमें याद होना चाहिए थ्री बाय फाइव डन दिसन फिफ्टी 53 डिग्री होता है फोर बाय फाइव तो लगा लीजिए वैल्यूज तो क्या आ रहा है आंसर देखिए सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप आ रहा है सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप आ रहा है अब हमें निकालना है फाइनली आर बार निकालना है बच्चों आर बार निकालना है तो आर बार क्या होता है क्वेश्चन में ए बार प्लस बी बार दिया हुआ है तो ए बार की वैल्यू है रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप एंड बी बार हमने अभी अभी निकाला है सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप कर लो एडिशन ए ए की टर्म एक साथ ले लीजिए तो क्या है आई कैप की टर्म रूट थ्री प्लस सिक्स आई कैप और जे जे की टर्म वन प्लस एट नाइन जे कैप ये आ रहा है अपना आर बार देर फोर आर का आंसर क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों मतलब क्या रूट थ्री प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर आई बात समझ में आई बात समझ में क्या ये कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली भी आपको अगर करने हैं तो इसके लिए मैं अगले पेज पे जा सकता हूँ ये कैलकुलेशन अगर हमें अप्रोक्सिमेटली करके देखने हैं तो अप्रोक्सिमेटली अंडर रूट ऑफ ठीक है ना होल स्क्वायर एक्सपांशन कर लीजिए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा प्लस ट्वाइस ए बी की टर्म करेंगे तो ट्वेल्व रूट थ्री आएगा और छे का स्क्वायर छत्तीस आएगा और यहाँ पे नाइन का स्क्वायर एट्टी वन आएगा अभी तो एग्जैक्ट चल रहा है काम अंडर रूट में क्या आएगा कर लीजिए एट्टी फोर और थर्टी सिक्स एक सौ बीस प्लस ट्वेल्व रूट थ्री मतलब अप्रोक्सिमेशन में जाएंगे तो कितना आएगा रूट थ्री की वैल्यू सब जानते हैं वन पॉइंट सेवन के आसपास भी अप्रोक्स कर दिया तो अभी आपके लिए काफी है तो कितना आ रहा है वन ट्वेंटी प्लस बारह एक बारह बारह सात ये करके देखिए बारह सात तो पॉइंट फोर आएगा एट तो ट्वेंटी पॉइंट फोर मतलब अप्रोक्सीमेटली एक सौ चालीस पॉइंट चार अब एक सौ चालीस किसके रूट के आसपास रहते हैं एक सौ चालीस किसके रूट एक सौ चौवालीस रहता है ट्वेल्व का रूट राइट तो आप ये करेंगे तो इलेवन पॉइंट एट ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा इलेवन पॉइंट एट बारह से थोड़ा सा कम इलेवन पॉइंट एट इलेवन पॉइंट नाइन ऐसा आंसर आएगा जो कि बारह से थोड़ा सा कम है एज एक्सपेक्टेड लिख लीजिए ये हुई कट तो अगर समझता है तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा इस सवाल में। yes, चलो गुड इलेवन पॉइंट क्या एट सिक्स आ रहा है चलो कैलकुलेटर से देखने वाले बता दिया मैं मान लेता हूं आपने बोला है तो इलेवन पॉइंट एट सिक्स आ रहा होगा approximately चलो मैंने डायग्राम में आर बार नहीं निकाला है अभी तक आप चाहो तो आर बार भी आप निकाल सकते हो पैरलोग्राम लॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा अजीब लंबा सा दिखेगा वो लेकिन निकाल सकते हैं चाहो तो ऐसे आपको पैरलोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा और उसमें फिर मैं रेड कलर से रिजल्टेंट निकालता हूं कई मोस्ट ऑल तो ये जो है आपका रेड कलर का यार बार है डायगोनल जो होगा यार बार हो जाएगा ये वन ऑफ द बेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन था इंजीनियरिंग पेपर में का अगर मेथड वाइज देखे तो शॉर्टकट छोड़े अगर पूरी मेथड से करना है तो ये वन ऑफ द लेंदीएस्ट क्वेश्चन था ठीक वेक्टर एडिशन कर से तो भी कर सकते हैं उसके लिए डायग्राम अच्छे से ग्राफ पेपर पे निकालनी पड़ेगी जैसा मैंने किया है जैसा मैंने ग्राफ पेपर पे डायग्राम बहुत प्यार से निकाली है ट्वेंटी थ्री डिग्री एंगल बहुत आपको प्रोट्रैक्टर लगेगा स्केल लगेगा सब कुछ लगेगा फिर करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली ज्योमेट्री से भी कर सकते कोई अल्जेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ज्योमेट्री से रेड कलर की लेंथ मेजर कर लो ऐसा भी कर सकते उसके लिए ग्राफ पेपर लगेगा चलो आगे फिफ्टींथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यस फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे इंजीनियरिंग का फिफ्टीन क्वेश्चन ये मेडिकल के उसमें भी था ये वहां पे भी कुछ लोगों को डाउट करके ये जरूर होगा चलो Can I go to next page, students? Done. दुनिया के हर अच्छे क्वेश्चन में बेटा जय कुमार नई मेथड लगेगी तो ऐसा नहीं है कि अभी ये है तो हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगी क्या तो यही तो एक्सपर्टीज है यही तो चेक करना चाहते हैं कि किसको तीन सौ में से दो सौ मिलते हैं किसको ढाई सौ मिलता है किसको पौने तीन सौ मिलते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा रहेंगे चेक करने के लिए इनोवेटिव क्वेश्चन रहेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहां क्या शॉर्टकट लगेगा आप दुनिया पैतीस सौ मेथड भी करके जाएंगे तो नया क्वेश्चन ये कुछ अलग मेथड वाला हो सकता है इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करना पड़ेगा आर मैक्स का यहाँ पे मैंने इसलिए लगा क्योंकि हर ऑप्शन जो है वो दूर दूर था ना बारह से ऊपर था दिख रहा था दस और बारह तो तो शॉर्टकट फेल हो जाता था अगर आपके ऑप्शन में ग्यारह होता था तो है ना तो फिर शॉर्टकट नहीं वर्क करेगा तो हमेशा हर शॉर्टकट नहीं वर्क करेगा यू हैव टू सी वॉट वर्क राइट हमेशा हर शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा यहाँ पे ऑप्शन में ग्यारह आ जाएगा तो फिर ये शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा फिर हम कंफ्यूज होंगे बारह से कम तो ग्यारह भी होता है तो भाई एक्चुअली वैल्यू ग्यारह के नजदीक है कि बारह के नजदीक है ये आप डेसिमल निकाले बिना फिर नहीं पता चलेगा जो कि अब यहाँ पता चल रहा है हमें इलेवन आ रहा है मतलब ज्यादा बारह के नजदीक आ रहा है तो फिर डिटेली मेथड करनी पड़ती थी अगर ऑप्शन में ग्यारह होता था तो हाँ इसलिए आंसर बारह ही है ना आंसर तो बारह ही है चलो आगे आइए डीवाई dx at x एट एक्स इज इक्वल टू पाए बाई थ्री वाई ही दिया है क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है तो so, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू चलो मैं स्टेप्स वाइज कर लू टू इंटू डेरिवेटिव टू कॉमन ले लिया तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स और माइनस में थ्री के बाद डेरिवेटिव ऑफ सेक्वास नेचुरली लगेगा चेन रूल हर टर्म में अब चेन रूल लगेगा क्यों चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स के साथ दो चीजें होगी ना फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है एक्स का पहले किया गया है साइन एक्स और बाद में उसका लिया है क्यूब ठीक है तो आंसर लेते समय क्या आता है आंसर लेते समय हमें पता है बाद में क्यूब लिया गया तो पहले क्यूब जैसे का डेरिवेटिव क्यूब का डेरिवेटिव थ्री टाइम्स नंबर का स्क्वायर ओके इनटू चेन रूल से क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा Cos x, ये बात हो गई आगे भी वही है एक्स का पहले सेक लिया गया है बाद में उसका किया गया है तो वापस से वहां पे जो रूल लगेगा तो वहां पे जो आंसर आएगा तो थ्री तो एज इट इज रहेगा थ्री तो एज इट इज रहेगा ये डेरिवेटिव लेते समय स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ट्वाइस समथिंग राइट तो टू x आएगा इन टू इंटू का डेरिवेटिव तो क्या होता है ये वैल्यू आएगी यहां तक क्लियर होगा अब हमें क्या करना है अब हमें बस एक्स की वैल्यू पाइव बाई थ्री पुट कर देनी है तो डीवाई बाई डी एक्स एट क्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पाई थ्री मतलब कितना होता है? अपने क्या होता है साइंस सिक्सटी डिग्री क्या होता है रूट थ्री बाय 2. बस वोट कर दीजिए रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर Cos सिक्सटी डिग्री कितना होता है हाफ होता है चलो ठीक है अच्छा 3 इन

पहली टर्म को टू थ्री जेर सिक्स टू और ये हाफ कैंसिल हो गया थ्री इंटू थ्री बाय फोर तो आ रहा है फर्स्ट टर्म एंड तो ये आएगा आंसर क्या ऑप्शन में डायरेक्टली आंसर दिख रहा है नहीं तो नन ऑफ दिस टिक करने की घाई करेंगे क्या नहीं क्योंकि एबीसी ऑप्शन में डिनोमिनेटर फोर कॉमन ले लिया गया है फोर डिनोमिनेटर ले लिया है कॉमन मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तो ट्वेंटी फोर फोर कितना होता है 96, सिक्स ट्वेंटी फोर फोर जार नाइनटी सिक्स तो परफेक्टली ए ऑप्शन इज द आंसर, सही है यस yes, लिख लीजिए यही किसी और नंबर के साथ मेडिकल में था तो वहां पे अभी मैं रिपीट एक्सप्लेन नहीं करेंगे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया था कुछ क्वेश्चंस दोनों टेस्ट में कॉमन दिए थे करीब करीब दस क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो दोनों टेस्ट में मैंने कॉमन दिए हुए थे साक्षी को नहीं समझ आया बोल रहे हैं। साक्षी को भाई एक फ्रेज में कोई जवाब दे दो तो साक्षी को कि क्या चीज यूज की हमने इस क्वेश्चन में हिंट दे दो टाइप करो साक्षी के लिए कोई टाइप करके दो ये क्वेश्चन में क्या यूज किया है बस उसको टाइप करके दे दीजिए क्या यूज किया है कौन सा रूल यूज किया है बता दीजिए उसको बस परफेक्ट चलो फिर भी कुछ लोगों को अभी अगर ये इतने स्पीड्स में नहीं ये हो रहा है तो मैं एक काम कर रहा हूँ इसका इमेज लेके अभी ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ ठीक है तो आपको मुझे वापस ये सवाल पूछना होगा तो हम वापस से ये इमेज आ, बोर्ड पे लेंगे आफ्टरनून में और एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई तकलीफ जा रही है तो सो ये आ गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जस्ट just... आगे एटीनथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेट मी हैव अ लुक एट एटीन क्वेश्चन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ओके 18th question में students, कुछ लोगों ने सोचा होगा क्योंकि ऑप्शन आई मीन क्वेश्चन में भी देखिए क्वेश्चन में भी देखिए नीचे सिर्फ रूट एक्स है रूट एक्स के साथ कुछ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ऐसा होता है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सिर्फ रूट एक्स है तो उसको एक्स रेस टू हाफ भी तो लिख सकते हैं तो आप सवाल को पहले सिंप्लीफिकेशन करने में आए ये इंटीग्रेशन की वैल्यू दी है तो आप सवाल को सिंप्लीफाई करने पे फोकस कीजिए पहले जैसा हम हमेशा किया करते हैं कि पहले सवाल को जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल कर देंगे बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ऐसा आपको होल क्यूब का फॉर्मूला दिख जाएगा और नीचे x की पावर हाफ ऐसा है तो क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स हर टर्म को ध्यान से देखिएगा पहली टर्म को वन अपॉन एक्स टू दावर हाफ लिख दिया दूसरी टर्म में से थ्री कॉमन निकाला बचा x अपॉन एक्स टू दावर हाफ तीसरी टर्म में से भी थ्री कॉमन निकाला बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दावर हाफ और चौथी टर्म में एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स वाह इजी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स लॉज ऑफ इंडाइसिस अपना फेवरेट टॉपिक यहाँ पे यूज कर देंगे तो x की पावर सब आप बराबर से एडजस्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स क्या आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे यहां तक क्लियर है बस अब इसके आगे क्या करना है इसके आगे आपको करना है इंटीग्रेशन करना है अब एक्स टू दावर हाफ अपॉन हाफ इसका हो जाएगा एक्स टू दावर फाइव बाय टू बाय फाइव बाय टू और इसका हो जाएगा एक्स टू दावर सेवन बाय टू बाय सेवन बाय टू लास्ट में प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड देखिए तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है पहला टर्म टू रूट एक्स वाली टर्म दिख रही है भाई तो टर्म uh, तो right? नहीं आ रही है सब प्लस में आ रहा है तो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर ठीक ये भी मेरे इतने समझाने पे क्विकली जिनको नहीं समझ आया वापस आप दोपहर में मुझे पूछ सकते हैं स्टेप्स चाहो तो अभी आपको ये वापस ग्रुप पे आ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये किया था बहुत लोगों ने एग्जाम के टाइम पे भी ये किया हुआ था मतलब ये कितने लोगों ने इसका एग्जाम में सही जवाब दिया था तो मुझे यस करके पोल का जवाब देना इसका एग्जाम में ही अगर आपने सही दिया था तो पोल में मुझे यस टाइप कर दीजिए पोल में पोल आ रहा है पोल में मुझे यस टाइप कर दीजिए मुझे जानने दीजिए कितने लोग ये सही कर पाए थे मेरी एक्सपेक्टेशन है क्लास में से तीस चालीस लोगों ने तो सही किया ही होगा इसको सो uh, कितना इंजीनियरिंग का पेपर है ना तो इंजीनियरिंग के पेपर में से सौ लोगों में से तीस चालीस में बोल रहा हूँ देखते हैं कितने लोगों ने सही किया था अट्ठाईस का काउंट आया अभी मेरे पास इकतीस 31, इकतीस 31. मेरा गेस्ट सही था वन स्टूडेंट्स हंड्रेड में से जेई के थर्टी वन स्टूडेंट्स ने सही किया था बाकी लोगों ने तो स्किप किया था या तो रॉन्ग किया था ठीक है चलो रॉन्ग कम होता स्किप ही ज्यादा लोगों ने किया Agibataya students. Nineteen to twenty five? Nineteen to twenty-five. Any doubts? Any tough questions you felt? मैं नज़र घुमाता हूँ नाइनटीन ट्वेंटी तो आसान है इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस भी आसान लग रहा है डन वाला है चलो ग्रेटेंटी फाइव डन इन क्लास ट्वेंटी फाइव सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन था क्या बच्चों ट्वेंटी फाइव या सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन क्या किया था हमने एरिया के साथ मस्त ग्राफ भी निकाला हुआ था मैंने है ना बी का क्वेश्चन ही था इट ये है पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या यही क्वेश्चन ग्राफ फॉर्मेट से किया था उस दिन उस ग्राफ में यही इंटीग्रेशन आता है एग्जैक्टली exactly यही इंटीग्रेशन ना, में करके, ना करके, मुझे, यहाँ तक आपको याद आ रहा होगा कि मैं, think, का करा था, और आखिर में पॉजिटिव आना चाहिए फिर उन्होंने देखा तो जीरो माइनस वन ऊपर और नीचे भी माइनस वन करके फाइनल आंसर प्लस वन आ रहा था याद आ रहा है ये चीज एकदम सैटरडे के एंड में ये की थी मस्त है ना ऐसे मैंने प्यारा सा ग्राफ निकाला था ऐसे 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 ये ग्राफ जा रहा था और एक्स एक्सिस यहां पे लिया था तो ऐसा एरिया वो आ रहा था इंफिनिटी तक का रिमेंबर दैट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो ये मैंने दोनों में दे दिया था मेडिकल और इंजीनियरिंग में दोनों में ये सवाल दे दिया था राइट टू द पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ था चलो मेडिकल का पेपर देखते Medical paper. First ten questions, but I doubts. Neat paper means PCB paper. Yes, शुरुआत के क्वेश्चन बहुत आसान थे पहले तीन क्वेश्चन स्पेसिफिकली फिजिक्स में बहुत ज्यादा आसान देते थे uh, आते हैं किस सेवेंथ क्वेश्चन पे और फोर्थ क्वेश्चन पे भी ठीक है बच्चो देखिए ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर फोर एंड सेवन ये है क्वेश्चन नंबर फोर और ये है क्वेश्चन नंबर सेवन फोर्थ क्वेश्चन और सेवन दोनों में ना दोनों में डायग्राम से ये क्वेश्चन कितना आसान होता तो आपको बस थोड़ा सा डायग्राम ध्यान से निकालनी है फाइव न्यूटन का फोर्स है एट सिक्सटी डिग्री विद द वर्टिकल वर्टिकल मतलब सबको समझता है ना वर्टिकल मतलब ये लाइन ना ये दिस इज वर्टिकल वाई एक्सिस जहां हम जनरल निकालते हैं दैट इज वर्टिकल हियर और वहां से ये सिक्सटी डिग्री है वहां से ये सिक्सटी डिग्री बना रहा है वर्टिकल के साथ सिक्सटी डिग्री बना रहा है और फोर्स की वैल्यू है फाइव न्यूटन फोर्स की वैल्यू है फाइव न्यूटन ठीक है तो अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं मान लो पी बार में इसका नाम दे ओके okay? तो आपको याद होता है पी बार का कंपोनेंट कैसे लेते हैं हम पी बार का कंपोनेंट लेते हैं पी कॉस अल्फा आई कैप पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी साइन अल्फा जे कैप वेर अल्फा कौन सा एंगल होता है अल्फा होता है एंगल विद एक्सिस तो यहां पर एंगल विद एक्सिस क्या है एंगल विद एक्सिस कितना है थर्टी डिग्री है okay, तो ये आपको क्या लेना है थर्टी डिग्री पी की वैल्यू पांच है तो फाइव कॉस थर्टी डिग्री आई कैप प्लस फाइव साइन थर्टी डिग्री जे कैप ये इसका प्रिसाइज सोल्यूशन हो जाएगा तो फाइव कॉस थर्टी डिग्री तो फाइव रूट थ्री बाई टू होगा I और यहाँ पे 30 वर्टिकल मतलब आई कैप वाला कि जे कैप वाला सिर्फ जे कैप वाला तो ये जे कैप वाला कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट ये पूछा है तो कितना आ रहा है भाई फाइव बाई टू मतलब कितना होता है डेसिमल कर सकते हो उसको पूरा आंसर ऑब्वियसली न्यूटन में है क्योंकि फोर्स की वैल्यू है तो ये कितना न्यूटन आया ढाई न्यूटन आया राइट right? न्यूटन आया समझे और अगर आपको एक अनादर मेथड चाहिए अगर आपको इतना डिटेल नहीं करना एक और मेथड ध्यान रखो स्टूडेंट्स जब भी आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो उसके साथ का एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है ना तो 5 न्यूटन का ये जो है ये जो है 60 डिग्री के साथ ये वर्टिकल वाली एडजेसेंट साइड है वर्टिकल वाला एडजेसेंट साइड है 60 डिग्री के साथ तो अगर एडजेसेंट साइड है तो कॉस ऑफ 60 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा उसके कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा-सीधा आप आंसर 5 कॉस 60 डिग्री ऐसा भी कर सकते थे दैट इज cos 60 डिग्री भी 1 होता है तो 5 1/2 मतलब 2.5 न्यूटन ऐसे भी कर सकते हैं पूरा एक्स वाई एक्सिस में रिजोल्यूशन नहीं करना है तो शॉर्ट में सिर्फ वर्टिकल के साथ एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री लेके कॉस 60 डिग्री से भी कर सकते हैं यस यस 30 60 90 ट्रायंगल से भी कर सकते हैं दुनिया के बहुत तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं दो तरीके अभी मैंने बोर्ड पे बताए ठीक इसमें का ब्लू कलर का तरीका जिनको समझा वो ज्यादा खुश है क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है जो ब्लू कलर का है वो सबसे आसान तरीका है सेवेंथ जैसा सवाल कई बार हम ए बैच के क्लास में कर चुके हैं ऐसा सवाल जिसमें अल्जेब्रा ज्योमेट्री दोनों से करते थे और हमें पता चल जाता था कि आसान सा इससे कैसे होता है ज्योमेट्री से हो जाता था कैसे ज्योमेट्री से ये सवाल आसान होता था ये 120 डिग्री एंगल है तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जब लगाते हैं तो कौन सा एंगल 120 डिग्री होगा एंगल बिटवीन द ये ट्रायंगल लॉ में हमेशा बाहर का एंगल हो जाता है 120 बाहर का एंगल हो गया तो इस हिसाब से अंदर का एंगल बन रहा है 60 और अगर अंदर का एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज और दोनों लेंथ पी और पी है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल लॉ लगाने के बाद ट्रायंगल कौन सा बनेगा कौन सा बनेगा कौन सा टाइप का ट्रायंगल बनेगा ये रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट आर तो ये ट्राइंगल ही इक्विलेट्रल बन रहा है इसलिए आर की वैल्यू ही एग्जैक्टली exactly किस वैल्यू के बराबर होगी पी के वैल्यू के बराबर होगी ये भी दुनिया का शॉर्टेस्ट तरीका है ये सवाल करने का बाकी आप अल्जेब्रा से रूट वूट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का लगा के भी कर सकते हैं यस yes, एस कदम ने जो अभी फॉर्मूला टाइप किया है वो फॉर्मूला में थीटा 120 डिग्री पुट करके ट्वेंटी 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है ये बराबर से पुट करके भी यही सवाल हम किया करते थे अलचेप्रिकली स्पेशल केस जिनको याद है वो भी बहुत अच्छी बात वेरी गुड स्पेशल केस में टू पी कॉस थीटा बाई टू जिनको गोल्डन रूट में की स्पेशल केस मैंने बताई थी टू पी थीटा बाई टू उससे भी कर सकते वेरी गुड सर क्वेश्चन नंबर एट अलजेब्रा से करके बताइए श्रद्धा का सवाल है सर क्वेश्चन नंबर एट अलजेब्रा से करके बताइए ठीक है मतलब आपको ज्योमेट्री से वो आ रहा है और अलजेब्रा से चाहिए ठीक है नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ज्योमेट्री में हम डायग्राम निकालेंगे अलजेब्रा में क्या करेंगे अलजेब्रा में अलजेब्रिकली परपेंडिकुलर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए Perpendicular, अगर कोई है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है dot product. Very good. Arya ने दिया तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा चलो एक्सपांशन करते स्टूडेंट्स ट्राई करो एक एक टर्म लीजिए तो क्या टर्म आएंगे ए डॉट ए एक टर्म आएगी ए डॉट ए माइनस आएगा ए डॉट बी प्लस आएगा बी डॉट ए और माइनस आएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है

अच्छा बी डॉट बी का आंसर क्या आएगा बी डॉट बी का बी B B B B B और बी B में कोई खुद में एंगल नहीं होता है तो देर फोर ये A square आ रहा है और वो बी स्क्र माइनस बी है मतलब अच्छा तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा देर फोर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बी आएगा है ना प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव कभी नहीं होता मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना मैग्नीट्यूड है ये ए बार बी बार का ये मैग्नीट्यूड है तो ए बार का मैग्नीट्यूड हमें टू फाइंड क्या पूछा हुआ है टू फाइंड में पूछा हुआ है टू फाइंड में पूछा हुआ, हुआ है हमको कि ए बार का मैग्नीट्यूड और बी बार का मैग्नीट्यूड का रेशियो मतलब ही ए अपॉन बी का रेशियो तो क्या बन रहा है बच्चों ये राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड में डिवाइड करके लेके आइए तो आंसर बन रहा है वन रेशो का आंसर आ रहा है वन इज टू वन मतलब तनिष बोल रहा है सर ज्योमेट्री से भी बताओ okay. ये इतनी ज्योमेट्री सबको पचेगी कि नहीं आई एम नॉट श्योर सबको इतनी ज्योमेट्री याद होगी कि नहीं बट मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं समझाने के आप लोगों को देखो ये है वेक्टर ए बार और ये है वेक्टर बी बार ठीक है ऐसा ले लिया मैंने पैरेलोग्राम भी कंप्लीट कर रहा हूं क्या सबको इतना समझ गया कि ये जो वेक्टर है ये ए बार प्लस बी बार होगा रेड कलर का वेक्टर जो होगा वो ए बार प्लस बी बार होगा यहाँ तो ये बात समझ गई सबको बाय पैरलोग्राम लॉ ए बार प्लस बी बार होगा ये वेक्टर। ठीक है अच्छा अगर मुझे ए बार माइनस बी बार निकालना है अगर मुझे माइनस बी बार निकालना है तो कुछ आइडिया करनी पड़ेगी कुछ आइडिया करनी पड़ेगी मैं बी बार का उल्टा कर दू स्टूडेंट्स बी बार का उल्टा कर दू यही पे देखो ग्रीन कलर में मैं बी बार का उल्टा यही पे निकाल रहा हूँ इसी डायग्राम में बी बार का उल्टा निकाल रहा हूँ तो ये वेक्टर माइनस बी बार होगा ग्रीन कलर का वेक्टर माइनस बी बार होगा समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ग्रीन कलर का वेक्टर माइनस बी बार होगा ये जस्ट एरो बदल दिया है वही लेंथ लेकिन एरो बदल दिया मतलब डायरेक्शन बदल दिया तो ये माइनस बी बार होगा अच्छा माइनस बी बार को मैं ए बार में एड करूंगा ठीक है माइनस बी बार को ए बार में तो देखो हेड टू टेल ज्वाइन किया हुआ है हेड टू टेल ज्वाइन किया हुआ है तो यहां से शुरू करके यहां तक ये यह जो मेरा ग्रीन डायगोनल आ गया ये जो मेरा ग्रीन डायगोनल आ गया क्या आपको समझा है दिस इज ए बार माइनस बी बार ये जो ग्रीन कलर का डायगोनल आया a ए बार को में माइनस बी बार ऐड करके मिल रहा है मतलब दट इज नाराइनस बी बार ये बात समझ आई रेड कलर का डायगोनल है ए बार प्लस बी बार और ग्रीन कलर का डायगोनल है ए बार माइनस बी बार वेरी गुड वेरी गुड बोली को समझ आ चुका है वेरी गुड Perfect. अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर चाहिए ये दोनों दोनों होने होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? चाहिए। ये ये क्या जो दोनों लोग हैं, ये जो दो तो डायगोनल्स है ये होने चाहिए परपेंडिकुलर तो भैया दुनिया के कौन से पेरलोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? डायगोनल्स ऑफ पैरलोग्राम आर परपेंडिक्यूलर मीन्स मीन्स पैरलोग्राम इज अ रोम्बस ये आपको ज्योमेट्री थी ज्योमेट्री में ये थेरम आपने कहीं कहीं एज अ या एज अ क्वेश्चन ये प्रूव किया तो रोम्बस होना चाहिए अच्छा रोमबस का मतलब क्या होता है रोमबस का मतलब ये होता है कि सभी साइड इक्वल होनी चाहिए तो साइड ए और साइड बी क्या हो गई इक्वल हो गई इसलिए उनका रेशियो क्या आ गया वन आ गया क्लियर है तनिष्क श्रद्धा ने अल्जेप्रिक मेथड पूछी थी श्रद्धा को वो क्लियर है और तनिष्क ने ज्योमेट्रिक पूछी थी मेथड वो क्लियर है चलो, गुड। हमेशा डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते ना दुनिया के हर पैलोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते इस सवाल में बोला है परपेंडिकुलर है इस सवाल में बोला है परपेंडिकुलर है इसलिए वो रोमबस इसी क्वेश्चन में बनेगा हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा इस क्वेश्चन के लिए बनेगा इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ था इसलिए आगे बोलिए स्टूडेंट्स मेडिकल पेपर में पहले बीस सवाल में और कोई डाउट आठ नौ से बीस तक नाइन टू ट्वेंटी तक के क्वेश्चन नंबर बताइए 11 13 15 वेदांतिका 11 को मैं आसान में मानूंगा आफ्टरनून में पूछ लीजिए 13 का 13 भी हमने 13 भी ना सेकंड बैच के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो 13 भी सेकंड बैच के लिए मैं आफ्टरनून में ले लूंगा क्योंकि 13 भी हमने फर्स्ट बैच में किया हुआ है ओके कई बार सेम क्वेश्चन किया हुआ है 15 और 19 देखते हैं 15 और 19 ठीक है पंद्रह और उन्नीस पंद्रह भी वैसे टफ तो नहीं है बट ठीक है थोड़ा नया टाइप का कुछ लग रहा है तो आपको कुछ थोड़ा सा नया लग रहा है डायमेंशनली करेक्ट है मतलब क्या होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट है मतलब सभी डायमेंशन मैच होने चाहिए मतलब फोर्स का डायमेंशन जो है फोर्स का डायमेंशन जो है वो किसके डायमेंशन से मैच होना चाहिए X X ऐसी होगी डायमेंशनल करेक्ट होने के लिए ये तीनों चीजें जो जो एड करते हैं सब करते हैं इक्वेट करते हैं उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं अब हमें डायमेंशन ऑफ एक्स निकालने को बोला है डायमेंशन ऑफ एक्स निकालने को बोला है तो क्या आपको इस फॉर्मूला पर से समझ में आ रहा है डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा डायमेंशन ऑफ एक्स ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना फोर्स और डेंसिटी के डायमेंशन का. का बस अब इसके आगे तो बात आसान हो गई फोर्स का डायमेंशन याद करवाता हूं मैं सबको एम वन एल वन टी माइनस टू और डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम याद करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से एल टू दावर माइनस थ्री तो कैलकुलेशन कीजिए मास की पावर क्या हो गई वन वन प्लस टू एल की पावर वन माइनस थ्री माइनस टू और टी की पावर माइनस टू नाइनटींथ क्वेश्चन देखो इसके बाद Yeah, afternoon class timing o'clock. Yes, ऐसे uh, तो सवाल को मिस करेंगे बच्चों तो आप बोनस मार्क्स गंवा रहे हो नाइनटीन भी कोई सवाल है क्या बोलिए नाइनटीन सवाल में कुछ दम है क्या सच ए इजी क्वेश्चन हर स्टेप टर्म के डायमेंशन वापस से मैच कराने आपको ए और डी पे ध्यान देना है कहाँ पे है ना तो यहाँ पे एक्स का डायमेंशन विल बी सेम एज ए का डायमेंशन विल बी सेम एज डी टी क्यूब का डायमेंशन तो स्टेप बाय स्टेप आइए एक्स ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन से मैच होगा देर ए का डायमेंशन क्या होगा एक्स क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस मतलब क्या होता है लेंथ होती है डिस्टेंस इज अ लेंथ तो ये यहां से आ गया रही बात डी की तो देखो एक्स और इस पर से आपको क्या मिलेगा डी का डायमेंशन किस चीज के डायमेंशन से आएगा एक्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय टाइम क्यूब मतलब लेंथ की पावर वन टी की पावर माइनस थ्री ठीक है ना इससे आसान सवाल आपको कभी जेई नीट में नहीं पूछ सकते ये सवाल आ गया तो फ्री के मार्क्स है फ्री के मार्क्स बटर है मान लेना है कि नहीं आगे बताइए पच्चीस तीस के आसपास एनी डाउटी 21, टू थ्री चलो बीच बीच में इंटीग्रेशन के आसान सवाल है था तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं थर्टी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये तो इंजीनियरिंग वालों को भी फिर पूछ सकते थे ये भी सवाल दोनों टेस्ट में था बहुत तरीके से कर सकते हैं एक तरीका है किसी को भी याद आ रहा होगा यू बाई वी रूल लगा दो तो भाई जब भी डेरिवेटिव में कोई न्यूमरेटर होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर को यू डिनोमिनेटर को वी लेके यू बाय वी रूल लगा सकते हैं बराबर रूल रूल लगा सकते हैं या तो मेरे पास उससे एक आसान तरीका है यू बाय वी रूल से एक आसान तरीका है देखिए क्या है जो नीचे ई टू पावर एक्स है स्टूडेंट्स जो नीचे ई टू पावर एक्स है क्या आप लोग समझते हो उसी को मैं ऊपर जाके e इवर माइनस x करके लिख सकता हूं By laws लॉज ऑफ e ई टू दावर माइनस x करके लिख सकता हूं हाँ ना e इ पावर माइनस x करके लिख सकता हूँ तो फिर अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये u into v rule रूल लगाना ज्यादा इजी होता है कोई डिनोमिनेटर का झंझट नहीं है तो अब u इन रूल लगा देते हैं का रूल लगा देते Therefore, dy by dx क्या आएगा? u का डेरेवेटिव क्या आ रहा है सिंपली वन आ रहा है प्लस वी इंटू वी इंटू डीयू बाई डीएक्स अब ये डी यू बाई पे ध्यान रखना डी यू बाई डी एक्स पे ध्यान रखना है. यहाँ चेन रूल लगेगा यहाँ पे चेन रूल लगेगा e टू दावर एनीथिंग का डेरेवेटिव वही खुद होता है लेकिन यहाँ पे x के बदले माइनस एक्स है तो एक माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ये चेन रूल लगाने में फंस जाते है बहुत ये ध्यान ठीक है? E X one, yes. तो अब देखो क्या आ रहा है तो ये पहली टर्म हो गई दावर माइनस एक्स दूसरी टर्म में एक माइनस साइन आ रही है तो माइनस ऑफ वन प्लस एक्स इ टू दावर माइनस एक्स क्या कुछ कॉमन आ रहा है Yes, e to the power minus x आ है बच्चा है माइनस एक्स बच्चा है माइनस एक्स इ टू दावर माइनस एक्स कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं दिख रहा है क्या कहीं पे दिख रहा है ना इस पे चेन रूल कैसे लगा वो ई टू दावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए बेटा जहां मैंने डबल स्टार किया है बस उसी स्टेप पे लगेगा ना क्योंकि वहां दो फंक्शन है डायरेक्ट ई टू पावर एक्स नहीं है पहले एक्स का उल्टा माइनस एक्स किया है और फिर ई e की पावर माइनस एक्स लिया गया तो दो स्टेप्स हो गए ना का किया माइनस और बाद में किया ई टू दावर दैट तो दो स्टेप हो गई ना इसके लिए रूल लगेगा। जब टू e पावर का डेरिवेटिव करना पड़ रहा है बस उसी स्टेप में रूल की जरूरत पड़ रही है हमें क्योंकि वो ई टू पावर माइनस एक्स डायरेक्ट फंक्शन नहीं है दो फंक्शन लेके बना है पहले एक्स का माइनस एक्स करना है और बाद में ई e की पावर लेनी है ये दो स्टेप्स है इसलिए चलो बताइए आगे चालीस तक कोई डाउट थर्टी वन टू फोर्टी में एनी क्वेश्चन बीच में वापस आसान आसान सवाल दिखेंगे आपको इंटीग्रेशन के सवाल आसान ही थे थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी एट थोड़ा सा ट्रिकी था सबको समझा क्या थर्टी एट कर पाए बच्चों थर्टी एट में क्या ट्रिक थी बस एरोस का खेल था आपको एरोस ध्यान से देखने थे थर्टी एट में यस yes? एरोस बहुत ध्यान से देखने थे ट्रैंगल लॉ लगाया हुआ है पेरोोग्राम नहीं बना है ट्रेंगल बना है तो ट्रेंगल में हमें आपको देखना था कहा हेड टू टेल ज्वाइंट है कहा हेड टू टेल ज्वाइन है वो आपको ध्यान से देखना था तो आपको यही एक पॉइंट मिलेगा जहां हेड टू टेल ज्वाइन सी का हेड ये ए के टेल को ज्वाइन था तो इसका मतलब सी और ए की एडिशन हो रही है यहाँ पे ठीक है सी और ए की एडिशन हो रही है ये आपको इस जगह से समझना चाहिए था हेड टू टेल ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट था यहाँ थर्टी नाइन क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये तो पूछा तो नहीं जाना चाहिए था क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम वन डीपीपी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन डीपीपी एंड आई हैव डन दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इन द क्लासरूम कैसे भूल जाते हो खंडेकर इसीलिए मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर ऐसे याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए देखो ऑप्शन में ऑप्शन मैंने ये सवाल एक्सप्लेन किया था डायग्राम डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन किया हुआ था और फाइनल कंक्लूजन पे डायरेक्ट आता हो फोर्थ ऑप्शन क्यों जवाब आया था क्योंकि दस और बीस जब दो वेक्टर्स है ठीक है इनको हम अगर पी एंड क्यू मानते हैं ओके तो हमें याद है कि आर मैक्स क्या आता था आर मैक्स की वैल्यू क्या आती है आर मैक्स की वैल्यू आती है पी प्लस क्यू देट इज थर्टी और आर मिनिमम की वैल्यू क्या आती है आर मिनिमम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू दैट इज यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है ठीक है इसका मतलब आर की वैल्यू 10 से 30 के बीच में रहेगी 10 से 30 के बीच में रहेगी तो अगर कोई चीज 10 से 30 के बीच में है तो क्या वो चीज कभी 40 बन सकती है क्या नहीं बन सकती तो अगर वो चीज कभी 40 नहीं बन सकती तो 40 वाले को वो कैंसिल भी नहीं कर सकती कैंसिल भी नहीं कर सकती जब दोनों का रिजल्टेंट चालीस का बन नहीं रहा है तो चालीस वाले को कैंसिल भी नहीं कर सकता कैंसिल करने के लिए बस अपने को डायरेक्शन उल्टा कर देना पड़ता है तो डायरेक्शन तो हम उल्टा कर देंगे डायरेक्शन अपनी मर्जी से लेंगे यहाँ पे लेकिन मैग्नीट्यूड सच्ची चालीस का बनना चाहिए ना तो पी और क्यू का मैग्नीट्यूड चालीस का चौथे ऑप्शन में बन ही नहीं सकता इसीलिए वो कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकता चलो फोर्टी थ्री थ्री हाँ वेरी गुड ये सवाल में है दम ये सवाल में है दम ये सवाल में है दम अगर इसमें बहुत कुछ लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लिखा है टिक किया है और निगेटिव मार्क्स प्राप्त किए हैं आपने इस सवाल में तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगेगा बिकॉज यही ट्रिक के लिए सवाल दिया गया था क्लास रूम टू हाफ का रेस टू थ्री बाई टू वगैरह ऐसा कब होगा अगर x के बदले है ना जो हम याद करते इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी होता है तो इसके बदले x के बदले अगर ए एक्स प्लस बी आया तो काम करता है दिस इज अवर रूल ए एक्स प्लस बी आया तो यही रूल काम करता है ओनली थिंग इज इट गेट्स डिवाइडेड बाय एक एक्स्ट्रा ए की टर्म आती है एक एक्स्ट्रा की टर्म से डिवाइड होता है है ना बस बाकी सब सबसे बट यहाँ पे क्या ये ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में था रूट के अंदर नहीं ये तो कॉस के फॉर्मेट में था तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो तो फिर कुछ अलग ही चीजें होगी ठीक है तो ये ऐसा रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो फिर कैसे करना था आपको एक्सपर्टली ट्रिगो के लेक्चर के दिन के सब फॉर्मूले याद होने चाहिए डबल एंगल हाफ एंगल सब फॉर्मूले याद होने चाहिए क्या आपको ये फॉर्मूला याद है एक हाफ एंगल फॉर्मूला था आपको ऑप्शन पर से हिंट लग सकती थी ऑप्शन आधे, आधे आधे एंगल में एक्स बाय टू है तो क्या कोई हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है तो वन ऑफ द हाफ एंगल फॉर्मूला इज वन प्लस फॉर्मूला एक साइन में भी था सब्ट्रेक्शन वाला हाफ एंगल फार्मूला बट ये एक एडिशन वाला जो यहाँ पे काम में आएगा देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन जा रहा है देयरफॉर क्वेश्चन इज बिकमिंग

क्या हम कॉस का इंटीग्रेशन जानते क्या हम कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं है है, है. है, तो हाफ की टर्म डिवाइड हो जाती है टू एक्स होता तो टू से डिवाइड होता थ्री एक्स होता तो थ्री से डिवाइड होता तो जितने एक्स है उतने से वो चीज डिवाइड ए एक्स प्लस बी जैसा है तो ए से डिवाइड होता तो यहां X है तो यहाँ हाफ एक्स है तो हाफ से डिवाइड हो गया ये हाफ का नीचे का हाफ ऊपर टू होके जाएगा तो यू आर गेटिंग आंसर टू रूट टू साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी ये बहुत कम लोगों ने सही किया होगा लेट मी नो ये एग्जाम के टाइम पे कितने लोगों ने सी ऑप्शन सच्ची मेडिकल स्टूडेंट्स ने टिक किया है।, है कितने लोगों ने करीब सौ स्टूडेंट्स है मुझे नहीं लगता दस से ज्यादा किसी ने सही किया होगा क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन में से एक था इस पेपर में लेट मी नो कितने लोगों ने एग्जाम में सही किया था ड्यूरिंग द एग्जाम सही किया था वा wow! आर्या ने सही किया था सुष्मिता ने प्रणो नीलकंठ कदम फड़तरे ने भी सही लिख दिया था तन्वी ने भी सही लिख दिया था बोल रहे हैं तो 18 स्टूडेंट्स माय गॉड मुझे लग रहा है 18 में से कुछ लोगों का तुक्का था सच्ची सच्ची मेथड से किसने किया था ये 18 से कम ही होंगे चलो कम से कम 18 लोगों ने सही टिक किया था ऐसा बोल रहे यस दिस इज द मेथड इसके अलावा कुछ नहीं है इसके मेथड यस yes. इसके अलावा आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन चलो लास्टली फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन का नन ऑफ दीस कैसे फोर्टी फोर का एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है देखो एग्जैक्ट आंसर फोर्टी फोर का क्या आ रहा है निकाल के दिखाते हम चलो सवाल आपने पूछा तो हम निकाल के दिखा देते हैं पे आप लोग क्या मैं सबसे पहली स्टेप सवाल को सिंप्लीफाई करूं ऐसा लिखूं क्या सवाल को इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन थ्री माइनस टू एक्स रेज टू माइनस टू डीएक्स ये करने का अधिकार है, है ना तो अब आगे

माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री माइनस टू जीरो करो सॉल्व करो सॉल्व क्या आ रहा है हाफ इन पहली टर्म आ रही है वन अपॉन वन माइनस दूसरी टर्म आ रही है वन अपॉन थ्री तो टू बाय थ्री का हाफ हाफ ऑफ और टू बाय थ्री बन रहा है तो वन अपॉन थ्री इज द परफेक्ट आंसर तो वन अपॉन थ्री भैया ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए नन ऑफ दिज आंसर

लेकिन आपने सॉल्व किया होगा एग्जाम के टाइम पे जिन्होंने भी, चलो रिमेनिंग मीडियम इजी क्वेश्चन के डाउट्स के लिए करीब आधा पौन घंटा मिलेंगे आई थिंक उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी टू से टू थर्टी टू फोर्टी फाइव चलो बाय स्टूडेंट्स Thank <laughs> you. दो बजे बेटा दो बजे समृद्धि मानस सॉरी मानस ने पूछा है टू 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 थर्टी